बात अब हम स्टार्ट करते हैं एलएमवीटी थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम या फिर सिंपली इसको एमवीटी थ्योरम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपको बताया था रोल थ्योरम के अंदर फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस ऑन ए टू बी क्लोज इंटरवल एंड फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल ऑन ए टू बी ओपन इंटरवल। एंड थर्ड कंडीशन थी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, तो एफ डैश सी है वो जीरो होगा वेयर सी बिलोंग्स टू ए टू बी। नेक्स्ट अपना टॉपिक है एलएमवीटी। अब इसके अंदर क्या होता है, जो रोल थ्योरम की दो प्रॉपर्टी है वो दो प्रॉपर्टी हम लोग काम में लेते हैं। फर्स्ट है फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। अगर ऐसा है तो इस ए से बी के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जहां पर एफ डैश सी की वैल्यू है तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल बी माइनस ए की इक्वल। ये है आपका एलएमवीटी थ्योरम। सर रोल थ्योरम में क्या था, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होता था जहां पर सी है ए और बी के बीच में कोई पॉइंट होता था। यहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होती है। ये एलएमवीटी थ्योरम। अब इसका मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल फिजिकल मीनिंग वो सारी चीजें अब देखते हो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्री में इसका मतलब होता है जैसे आपने मान लिया एक फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए पे इसकी वैल्यू एफ ऑफ ए और एक्स इक्वल टू बी पे इसकी वैल्यू एफ ऑफ बी। अब एक पॉइंट हो गया, ये बड़ा वाला ए पॉइंट है ए कॉमा एफ ऑफ ए और ये वाला जो पॉइंट है बी ये है स्मॉल बी कॉमा एफ ऑफ बी, ये पॉइंट। इसके द्वारा ये पूरा फंक्शन है वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। आपने क्या किया, एफ ऑफ सॉरी ए और बी इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब ए बी का स्लोप आपने फाइंड किया, स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा, जैसे वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू ये रहा एफ ऑफ बी, वाई वन ये रहा एफ ऑफ ए, एक्स वन ये रहा ए और एक्स टू ये रहा बी, तो स्लोप ऑफ ए बी मिल गया। अब देखिए यहाँ पे आपने बीच में कहीं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, कहीं पे भी टेंजेंट जिसका स्लोप क्या हो जाएगा, टेंजेंट सी पे एफ डैश सी हो जाएगा। तो ये कह रहा है एलएमवीटी थ्योरम कि आपके पास एक कोई ग्राफ है ए टू बी जो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, तो इस ए बी को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड कॉर्ड के पैरेलल एक टेंजेंट जरूर होगी जो पॉइंट ए और बी के बीच में किसी न किसी पॉइंट सी पे जरूर बनेगी। फिर से ज्योमेट्री का मीनिंग बताता हूँ उसका। ज्योमेट्री का मीनिंग ये है कि कोई भी कर्व ए टू बी, ए से बी तक कोई कर्व है जो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो इस ए और बी के बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जहां पे टेंजेंट है वो इस ए बी कॉर्ड के पैरेलल होगी, जहां पे टेंजेंट जो है वो इस ए बी कॉर्ड के पैरेलल होगी। ये है एलएमवीटी का ज्योमेट्री का मीनिंग। अब इस सारी चीज को हम अच्छे से प्रूव कर लेते हैं रोल्स थ्योरम से। देखिए रोल्स थ्योरम से इसको प्रूव कैसे करते हैं, एक फंक्शन है हमने लेट किया ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन आप लेट कर लो y equal to f of x एक फंक्शन है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट a a और ये पॉइंट है वो b है b, यहाँ पे इसकी वैल्यू f of a और यहाँ पे इसकी वैल्यू है वो f of b है f of b। तो ये पॉइंट जो a है इसके कोऑर्डिनेट हुए a कॉमा f of a और इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हुए बी कॉमा एफ ऑफ बी, ये इसके कोऑर्डिनेट हुए, ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने से एक लाइन बनी। इस लाइन को मैं बोल देता हूँ ये लाइन क्या है मेरी जी ऑफ एक्स, इसको बोल देता हूँ ये फंक्शन है जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये लाइन है, लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन तो होगी, लाइन की इक्वेशन तो वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये है y equal to f of x, y equal to f of x function, और ये लाइन a और b दोनों को जॉइन से था y equal to g of x। अब equation of line क्या होगी, equation of line ab क्या होगी, y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 पर x minus x1। अब देखिए आपके पास x1 a है, y1 f of a है, x2 b है, y2 f of b है, y minus y1, y1 का मतलब f of a equal to y2 का मतलब f of b
माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स टू माइनस बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन का मतलब ए। तो यहाँ से y इक्वल टू मिलेगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए और एक्स माइनस ए। ये फंक्शन मिल गया और y इक्वल टू क्या था जी ऑफ एक्स। तो ये जो फंक्शन है लाइन जी ऑफ एक्स वो क्या है आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। ये आपको समझ आ गया। एक फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन ए और बी को ज्वाइन किया तो फंक्शन हमें मिला जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कुछ इस तरह से फंक्शन। अब इस जी ऑफ एक्स की बात देखते हैं। जी ऑफ एक्स के बारे में कुछ चीजें, फर्स्ट जी ऑफ एक्स क्या कंटिन्यूस फंक्शन होगा? हाँ बिल्कुल, एफ ऑफ ए तो वैल्यू है, ये स्लोप है और ये क्या है एक्स माइनस ए, एक्स तो कंटिन्यूस होता है। क्या मैं बोल सकता हूँ ये लाइन की इक्वेशन जो ऑलवेज कंटिन्यूस कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल है। और थर्ड पॉइंट, दो पॉइंट इसमें आ गए, थर्ड पॉइंट इसका क्या आएगा ये थर्ड और डिफरेंशियबल सेकंड पॉइंट लिख देता हूँ। जी ऑफ एक्स डिफरेंशियबल होगा और थर्ड पॉइंट अब देखिए जी ऑफ ए की वैल्यू, जी ऑफ ए की वैल्यू या फिर यूं कहूं कि मैं एक दूसरा फंक्शन लेता हूं जी ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल है। यहां पे लिख लेता हूं मैं जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, साइन है तो जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल। अब हम लोग क्या बोलते हैं वर्टिकल डिफरेंस, ये जो फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों के बीच का डिफरेंस वर्टिकल डिफरेंस, वर्टिकल डिफरेंस, वर्टिकल डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, इन दोनों फंक्शन का वर्टिकल डिफरेंस वो हम लोग लेट कर लेते हैं कि वो एक नया फंक्शन है h ऑफ x, h ऑफ x नया फंक्शन। तो h ऑफ x क्या हो जाएगा, h ऑफ x इन दोनों का डिफरेंस f ऑफ x माइनस g ऑफ x, f ऑफ x माइनस g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x माइनस g ऑफ x की वैल्यू हमने यहां फाइंड कर ली हो जाएगा माइनस f ऑफ a माइनस f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a इनटू x माइनस a। ये हमने फाइंड कर लिया h ऑफ x। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट h ऑफ x के बारे में, h ऑफ x शुड बी कंटीन्यूअस होगा, कंटिन्यूस होगा, क्यों कंटिन्यूस होगा क्योंकि एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूस है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये स्लोप है और एक्स माइनस है, ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है पॉलीनोमियल, तो पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। दूसरा पॉइंट एच ऑफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होने वाला है क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और ये लाइन की क्वेश्चन जो ऑलवेज डिफरेंशिएबल, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एच ऑफ ए की वैल्यू, एच ऑफ एक्स फंक्शन क्या है दोनों का वर्टिकल डिफरेंस, देखें यहाँ पे दोनों का वर्टिकल डिफरेंस जीरो है तो एच ऑफ ए की वैल्यू जैसे आप इसमें पुट करोगे एक्स की जगह ए तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए जीरो और यहाँ पे एक्स की जगह ए ए माइनस ए जीरो जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा वैसे भी तो ये जीरो हो जाएगा। और एच ऑफ बी देखें या एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए ये बी माइनस ए बी माइनस ए कैंसिल ये एफ ऑफ बी ये कैंसिल हुआ ये कैंसिल हुआ पूरा जीरो आ जाएगा एफ ऑफ बी एच ऑफ बी की वैल्यू भी जीरो और यहाँ पर देखें वर्टिकल डिफरेंस दोनों का यहाँ भी जीरो तो एच ऑफ बी इक्वल टू जीरो एच ऑफ एक्वल टू एच ऑफ बी जीरो आ गया एच ऑफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशियबल फंक्शन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये एच ऑफ एक्स है तो इन दोनों फंक्शन का वर्टिकल डिफरेंस है एच ऑफ एक्स, क्या वो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है? अगर करता है तो इन दोनों के बीच में ए और बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर एच ऑफ एक्स है मतलब उसका डिफरेंशिएशन एच एस सी वो जीरो होगा। ठीक है, हम लोगों ने एच ऑफ एक्स की बात करें और एच ऑफ एक्स क्या है वर्टिकल डिफरेंस मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कहा दिला है इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन ये जी ऑफ एक्स है। चलिए अगर ऐसा है तो फंक्शन फंक्शन एच ऑफ एक्स सेटिस्फाइड the hypothesis of Rolle's theorem
रोल्स थ्योरम और ए कॉमा बी इट इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बिफोर व्हाट इज और ए कॉमा बी रोल्स थ्योरम में इसमें एप्लीकेबल है एच ऑफ एक्स के लिए। अगर एप्लीकेबल है तो क्या मैं लिख सकता हूं एच एस एक्स जीरो होगा एट एक्स इक्वल टू सी। चलो आप इतना नोट कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पे अगर इसमें रोल थ्योरम एप्लीकेबल है तो क्या कंडीशन बनने वाली है उसको देखिए एच एस सी है वो जीरो हो जाएगा। एच एस सी देखिए एच ऑफ एक्स ये रहा ये वाला फंक्शन एच एस सी का मतलब एफ एस सी माइनस एफ ऑफ ए का तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है माइनस जीरो माइनस ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको तो एच डी लिखूंगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए ये कॉन्स्टेंट आ गया। और एक्स माइनस ए का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स का पावर ए का जीरो ये बन आ गया और ये टोटल मिला के कितना होगा जीरो। तो एफ एस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए ये आ गया आपका एफ एस सी। यही आपको बताना था एलिमिनेटरी थ्योरम क्या होती है ये तो बोलती है क्या बोलती है अगर कोई फंक्शन ए टू बी कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है ए से बी तक तो इन दोनों के बीच में ए और बी के बीच एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे टेंजेंट का स्लोप है वो ए बी कॉर्ड के पैरेलल होगा या ए बी कॉर्ड के इक्वल होगा। समझ आया ये है एलिमेंट्री थ्योरम ये हमने पूरा प्रूव कर दिया ए फंक्शन दिया वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया वो लाइन बनाई जी ऑफ एक्स दोनों का वर्टिकल डिफरेंस लिया वर्टिकल डिफरेंस क्यों लिया क्योंकि हमें पता है दो पॉइंट पर उस वर्टिकल डिफरेंस जीरो आ गया रोल्स थ्योरम लग गया और फिर उसका हमने डिफरेंशिएशन के रोल्स थ्योरम लगा के और प्रूव कर। नेक्स्ट देखें फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इस थ्योरम का इस थ्योरम को लेके 2020 के अंदर 2020 के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए जो जेई ने पहले से क्वेश्चन पूछे थे उन्हें थोड़ा सा चेंज करके फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं लेकिन इस थ्योरम में और उससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों तरह के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये ज्योमेट्रिक मीनिंग और फिजिकल इंटरप्रिटेशन और ये सब क्यों पढ़ते हैं वैसे ये पूछे नहीं जाते हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको लॉजिक समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहता है। जैसे जेई के बहुत सारे क्वेश्चन हैं आईआईटी के क्वेश्चन हैं जिसके अंदर आपको ये तो लॉजिक पता हो कॉन्सेप्ट तो ही सॉल्व होंगे आपको नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि कहां पे ये थ्योरम यूज होगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट और ये सब सारी चीजें पता है तो आपको पता चलेगा कि इस थ्योरम को हम वहां लगा सकते हैं। अब देखिए फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और रेट ऑफ चेंज ये दोनों चीजें आपने देखी रखी यहाँ पे मैं पूरी थ्योरी देता हूं इफ वी थिंक ऑफ द नंबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए एट द एवरेज चेंज and the average change in f over a comma b and f dash c as an instantaneous change then the mean value theorem says that at some point the instantaneous
इंस्टेंटेनियस चेंज मस्ट बी इक्वल टू the average change over the entire window. अब देखो physical meaning को physical interpretation का मतलब आप physics में पढ़ते होंगे rate of change जैसे और डिस्टेंस के चेंज होने डिस्टेंस जैसे हम लोग स्पीड को क्या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन रिस्पेक्ट टू टाइम टाइम के ऊपर डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है ठीक वैसे ये क्या बोल रहा है एफ है वो चेंज हो रहा है किसके अकॉर्डिंग एफ है वो चेंज हो रहा है किसके ऊपर ए से बी तक पॉइंट ए से बी तक एफ है वो चेंज हो रहा है वो किसके इक्वल होता है कई बार इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज उसके पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब डी ऑफ डी एक्स एफ डॉट सी सी एक ऐसा पॉइंट ए से बी के बीच में जहां पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है वो इस एवरेज चेंज के इक्वल हो जाती है ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन है जिसमें यही होता है ना आपको पता है एवरेज चेंज एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर इक्वल हो जाते हैं वही है आपका ये एलएमवीटी थ्योरम चलो नेक्स्ट देखें कुछ क्वेश्चन करते हैं हम इसमें डिस्कस ये आपके एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस हैं तो उनको सब्जेक्टिव कैसे लिखना है वो पूरी की पूरी चीज हम लोग वैसे से देखें आप लोग उसी वे में सब्जेक्टिव में उस तरह के क्वेश्चन लिखेंगे जब आपको बोर्ड का पेपर देने जाओगे या एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे और जब जेई के सॉल्व करोगे तो हमारे ड्रॉ नहीं देखना है इस तरह से लिखना है उसकी मतलब नहीं क्वेश्चन है फर्स्ट वेरीफाई एलएमवी थ्योरम for f of x equal to x into x minus 2 or 1 to 2 LMB theorem verify करना है कि इसमें लगेगी या नहीं लगेगी ठीक है इसमें लगेगी तो उसके बाद क्या होगा वो इसमें verify करना है तो सबसे पहले LMB theorem करने के लिए function क्या होना चाहिए continuous होना चाहिए और ये क्या है polynomial function है जो always continuous होता है और दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए तो क्या पॉलीनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं बिल्कुल होते हैं तो ये फंक्शन से ये समझ में आ गया ये कंटीन्यूअस है डिफरेंशिएबल है अगर ऐसा है तो थर्ड कंडीशन दिया कि f डैश c है वो f ऑफ b माइनस f ऑफ a पर b माइनस a के इक्वल होगी और c जो है वो 1 और 2 के बीच में होगा ये इतना हम लोगों को देखना अगर ऐसा आ जाता है c 1 और b के बीच में f डैश c f ऑफ b माइनस f ऑफ a पर b माइनस a के इक्वल पुट करने पर c है वो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है तो वेरीफाई हो गया मेरा एलएमवी थ्योरम चलो इसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखते हैं लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स फर्स्ट पॉइंट है एफ ऑफ एक्स इन पॉलीनोमियल polynomial function so it is continuous on R polynomial function है वो पूरे अपने domain में real number में continuous होते हैं in particular अपने इस case में जो हमको domain given है in particular f of x is continuous on 1, 2. Second point है f of x, f dash x find को लेता हूँ ये बता दें कि किस possible होता है 2x minus 2 and this is x is uniquely on 1, 2. f dash x की वैल्यू है वो 2x minus 2 होगी वो एग्जिस्ट करेगा यूनिटली 1 से 2 के बीच में यूनिक वैल्यू आएगी इसकी हर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू तो इसका मतलब हुआ कि f of x है वो डेरिवेबल हुआ डिफरेंशिएबल ये डेरिवेबल भी हो सकते हैं ऑन 1, 2 1 से 2 के बीच में ये डिफरेंशिएबल है
तो LMPT थ्योरम की दोनों कंडीशंस ने फुलफिल कर दी, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ LMPT थ्योरम. LMPT थ्योरम ऑन 1 to 2. Therefore, there exists. अगर ऐसा है तो there exists at least one C belongs to A comma B. A और B के बीच में एक पॉइंट C ऐसा जरूर होगा जहां पे such that f dash C equal to f of B minus f of A upon B minus A equal होगा. और यहां से एफ एस सी आपका कितना है 2c-2 f of 2 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 - 4 0 माइनस एफ ऑफ 1 - 2 - 1 ये -1 अपॉन 2 - 1 ये कितना हुआ, ये हुआ 1/1 आया. तो यहां से 2c-2 = 1 देन यहां से आपको 2c = 3 देन c = 3/2. क्या 3/2 belongs to 1 से 2 है? बिल्कुल 3/2 belongs to 1 से 2. तो क्या आपने रोल्स थ्योरम और एमवीटी थ्योरम वेरीफाई हो गए? बिल्कुल. जब भी आपको कोई फंक्शन गिवन हो और एमवीटी थ्योरम वेरीफाई करने के लिए बोले तो सबसे पहले चेक करो फंक्शन है कंटिन्यूस है या नहीं है. अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो आप इस थ्योरम को लिख दो कि फंक्शन कंटिन्यूस है. किस वजह से वो भी लिख दो. फंक्शन डिफरेंशिएबल है पहले उसको डिफरेंशिएट कर दो और ये बताओ कि ये एग्जिस्ट करेगा यूनिकली उस पॉइंट उस इंटरवल में. हर पॉइंट में अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग की वैल्यू आने वाली है और एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल हो जाएगा. अगर दो कंडीशन फुलफिल होती है तो तीसरा पॉइंट ये है सॉरी कंडीशन फुलफिल होती है तो एफ डैश सी है वो इसके इक्वल हो जाएगा. आप एफ डैश सी फाइंड करो पहले एफ डैश एक्स एक्स की जगह सी पुट करो और वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए के इक्वल पुट करो. सी की वैल्यू फाइंड करो वो 1 और 2 के बीच में आती है मतलब इंटरवल के बीच में आती है तो आपका एलिमिनेटिव थ्योरम है वो वेरीफाई हो. इस तरह से आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बोर्ड लेवल पर आपको इस तरह से लिखना है. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं. तो दोनों ही चीजें करनी है बोर्ड के लिए भी अच्छा करना है जैसे आप एनसीईआरटी और जो भी बुक सॉल्व कर रहे हो सॉल्व हो जाए बोर्ड के पेपर वगैरह और जेई का भी हो जाए. एक और क्वेश्चन वेरीफाई एलएमपी थ्योरम फॉर the f of x equal to log of x on 1 to 5. वही जो अभी क्या था सबसे पहले f of x है सबसे पहले चेक करना पड़ेगा 1 to 5 कंटिन्यूस है या नहीं है. कंटिन्यूस है log of x हमें पता है log of x ग्राफ आपने देखा होगा इस तरह से पॉजिटिव के लिए x के वैल्यू पॉजिटिव हमेशा कंटिन्यूस रहता है और डिफरेंशिएबल भी है. ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो हो गया 1 से 5. फिर एफ डैश सी है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल हो जाएगा और सी की वैल्यू 1 से 5 अगर आती है तो वेरीफाई हो गया. 1 by 1 आप देखते हैं सबसे पहले एफ ऑफ एक्स फर्स्ट पॉइंट आपका एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस और 1 to 5. रीजन क्या लिखो है logarithm functions are always continuous in 0 to infinity. Second point, f dash x equal to 1 by x when x is positive and this is exists. यूनिटी ऐसा हमारे पास लिखते हैं हम लोग कि ऐसा नहीं हो कि अलग अलग पॉइंट पे एक ही चीज मिल जाए.
तो फिर हम ये डेरिवेटिव नहीं हो जाएगा, जैसे लेफ्ट में और राइट में दोनों अलग अलग चीजें मिल रही है और एक ही पॉइंट पे, जैसे मैं बात करता हूँ ये मैंने ऐसा कर दिया यहाँ से यहाँ तक, ये फंक्शन है, अगर इसका डिफरेंस यहाँ निकालू तो अलग है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन डेरिवेटिव है। अब ये क्या हो जाएगा आपका यूनिटी और वन टू फोर, therefore f of x is derivable on 1 to 5, 1 से 5 तक ये डिफरेंशिएबल है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, therefore f of x satisfies the condition of LMB theorem LMB theorem on 1 to 5 LMB theorem इसमें तीनों दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, then there exist at least one C belongs to 1 to 5 such that f less c equal to f of b minus f of a upon b minus a, where a equal to 1 and b equal to 5. तो क्या हो जाएगा f less c, क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 1 upon c equal to f of b log 5 minus log of 1 upon 5 minus 1. तो यहां से आपको c मिल जाएगा, c इक्वल टू 4 बाय log of 5। अब देखिए 4 अपॉन log 5, log 5 की कुछ भी वैल्यू होगी, ये e से बड़ी वैल्यू है, ध्यान दें 5 है वो e से बड़ा होता है और log of 5 is e, वो 1 से बड़ी वैल्यू होगी, अगर 1 से बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाती है, तो ये वाली वैल्यू है वो लेस देन 4 होगी, क्या बोल सकते हैं ये वैल्यू लेस देन 4 है, लेस देन 4 क्या 1 टू 5 के बीच में, तो हम बोल सकते हो c बिलोंग्स टू 1 टू 5 आ गया, और ये तो हमें प्रूव करना, वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और f c की वैल्यू इसके इक्वल करके c है वो a और b के बीच में अगर आता है तो वेरीफाई हो गया, तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एनसीईआरटी के बोर्ड लेवल के। क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड के लिए एनसीईआरटी के लिए वो सारा डिस्कस कर लेते ताकि आपके पास कम से कम ना हो एग्जाम में एप्लीकेबिलिटी ऑफ लैग्रांज इज मीन वैल्यू for f of x equal to 1 plus 3x or 2x square plus 7 when x is less than equal to 1 or x is greater than 1 or 0 to 3. Applicability Lagrange LMB theorem LMB theorem उसमें लगेगा या नहीं लगेगा उसको चेक करना, तो सबसे पहले LMBT theorem या Lagrange mean theorem कब लगती है, जब function एक तो continuous होना चाहिए differentiable होना चाहिए, तो सबसे पहले से continuity check कर लेते हैं, अगर continuous है तो differentiability check कर लेंगे, differentiable भी है तो फिर हो जाएगा f plus c equal to f of b minus f of a upon b minus a। अब सबसे पहले देखिए ये जो function है वो continuous है 0 to 1 basic interval की बात करूं और 1 to 3, अब 1 पे check कर लेते हैं, तो f of x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन 0 टू 3,
except possibly at x equal to 1, we check the continuity at x equal to 1. ये पॉलीनोमियल फंक्शन जो ऑलवेज कंटिन्यूस होगा जिस तरीके से, सिर्फ वन पे हमें डाउट है क्योंकि वन के लेफ्ट और राइट में दोनों अलग अलग फंक्शन है और वन पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज करना है जहां पर भी फंक्शन वहां पे हमको एलएचएल आरएचएल फंक्शन की वैल्यू तीनों चेक करना जरूरी होता है. तो ये क्या हो जाएगा वन पे, तो कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू वन क्या आएगा, f of 1 minus equal to limit of x tends to 1. Function है 1 minus पे 1 plus 3x equal to 1 plus 3 equal to 4. And f of 1 plus, यहां देना f dash नहीं है, differentiability नहीं, continuity. Limit of x tends to 1. Function आएगा 2x square plus 7. 2 plus 7 equal to 9. f of 1 minus is not equal to f of 1 plus, hence f of x is not continuous at x equal to 1. 1 पे continuous नहीं है तो क्या मैं बोल सकता हूँ 0 से 3 के बीच में ये function continuous नहीं है, और interval में continuous नहीं है तो LMT theorem नहीं लगेगी. सिंपल चलो इसकी हम लोग लिख देते हैं LMT नॉट एप्लीकेबल. इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. दो हम लोगों ने वेरीफाई वाले किए, एक ये वाला एप्लीकेबिलिटी वाला चेक कर लेते हैं एप्लीकेबल हुआ या नहीं, और एक और अच्छा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके कौन सा क्वेश्चन क्या पूछा है. ऑन द कर्व, ऑन द कर्व वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड ए पॉइंट एट विच द टेंजेंट tangent is parallel to the curve joining 0,0 and 1,1. क्वेश्चन को पढ़े आपको अच्छे समझ आएगा क्या पूछना चाह रहा है. ये पूछना चाह रहा है कि एक curve है y equal to x square, एक ऐसा पॉइंट आपको फाइंड करना है जहां पर टेंजेंट है वो पैरेलल होगी किसके, ये कॉर्ड है 0,0,1,1 0,0,1,1 इस पॉइंट पे कर्व पे होगा, बिल्कुल होगा. तो इस कर्व पे ऐसे दो पॉइंट हैं, इसका आपको पता है ग्राफ तो इस तरह का होता है, ये 0,0 और ये 1,1 1 पे इसकी वैल्यू 1 होगी 1,1. इसको ज्वाइन करने वाली लाइन कॉर्ड, ये जो कॉर्ड, ये कॉर्ड ठीक है, इस कॉर्ड के पैरेलल एक लाइन होगी कहीं ना कहीं यहां पर इसके पैरेलल जो कि टेंजेंट होगी इस कर्व पे वो किस पॉइंट पे होगी, ये पॉइंट आपको ढूंढना है. सी इस कॉर्ड, ये पूछना चाह रहा है. समझ आया क्या बोला, कि एक कर्व दे रखा है, दो पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट उस कर्व पे है, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड के पैरेलल एक टेंजेंट, इस कर्व की टेंजेंट किस पॉइंट पे होगी, वो पॉइंट पूछो. तो देखिए आपको बताया था कि एलएमटी थ्योरम अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो हम ये चीजें यूज कर पाते. अब इसका यूज कैसे करेंगे, देखो हमें पता है कि फंक्शन है y equal to x square. First, क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस है. क्या ये डिफरेंशियबल फंक्शन है, डिफरेंशियबल फंक्शन है. अगर कंटिन्यूस डिफरेंशियबल फंक्शन है तो
एलएमवीटी थ्योरम क्या बोलते हैं, f' इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a मिल जाएगा f' c, तो c मिल जाएगा हमें, और वही c तो ढूंढना है आपके पास, a और b क्या आ गए 0 और 1, और f ऑफ a f ऑफ b वो भी 0 और 1। चलिए देखें फर्स्ट टाइम f ऑफ x बीइंग ए पॉलीनोमियल, एक पॉलीनोमियल फंक्शन है is continuous on R, ये continuous है। दूसरा f dash x equal to 2 of x exist करेगा, ये है और ये exist करेगा uniquely on 0 to 1, 0 और 1 के बीच में uniquely exist करेगा f dash x, therefore f dash x equal to 2 of x, f of x is derivable function or 1 0 to 1 derivable function है, f of x satisfies दोनों कंडीशन, सेटिस्फाई करता है ये कंडीशन ऑफ एलएमवी थ्योरम 0 टू 1, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट C where f dash c equal to f of b minus f of a upon b minus a, where a equal to 0 and b equal to 1. So f dash c ढूंढ लेते, f dash c हो जाएगा 2c equal to f of b 1 minus 0 upon 1 minus 0, तो 2c यहां से मिल गया, 2c equal to 1 by 1 आ गया, तो c आपको मिल गया 1 by 2। अगर c आपको 1 by 2 मिला तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो पॉइंट है इस कर्व पे होगा तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, c equal to 1 by 2 है तो y equal to कितना हो जाएगा 1 by 2 का स्क्वायर, y equal to x square है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 by 2 का स्क्वायर मतलब 1 by 4, तो वो पॉइंट मिल गया, कौन सा पॉइंट मिल गया, वो पॉइंट जहां पे टेंजेंट है वो इस कर्व के पैरेलल होगी, पॉइंट है 1 by 2, 1 by 4 जो कि 0 और 1 के बीच, इस तरह से इसका यूज कर सकते। तो वेरीफाई वाले क्वेश्चन देख लिए, एप्लीकेबिलिटी वाले क्वेश्चन देख लिए, रेसिप्रोकल करके देखना हम लोगों ने इन चीजों को, इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके देखा कि किस पॉइंट पे है वो टेंजेंट है वो इस कर्व के पैरेलल हो। अब इसके बाद इसका एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का और अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड के अंदर, वो भी देख लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं अपने जी। Using mean value theorem, show that sine of x is less than x for x to be positive. सोचें इसको एक बार, क्या बोलते हैं साइन एक्स लेस देन एक्स और एक्स इज पॉजिटिव। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फंक्शन लेट कर लेते हैं, लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। अब सबसे पहले देखें, फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस फंक्शन होगा,
कंटिन्यूस फंक्शन होगा, दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस है, पॉलीनोमियल ये ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों कंटिन्यूस है, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस। सेकंड पॉइंट, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, क्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, क्यू होगा, ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, दो डिफरेंशिएबल का डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल। अगर ऐसा है तो एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज कंडीशन ऑफ एलएमबी थ्योरम एंड देयर एक्सिस्ट ए पॉइंट सी। अब हमने इंटरवल तो लिए, हम लोग इंटरवल लेट कर लेते हैं, लेट कोई पॉइंट ले लेते हैं ए, बिलोंग्स टू आर, तो रियल नंबर है और इंटरवल है, हम लोग लेट कर लेते हैं इसके लिए एफ ऑफ एक्स ऑन जीरो टू ए, लेट कर लेते हैं। ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू जीरो टू ए, ये पॉइंट सी लेगा जो जीरो से ए के बीच में है, पॉइंट सी बिलोंग टू ए, वेयर एफ एस सी इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ जीरो ऑन ए माइनस जीरो, ये हो जाएगा। चलो एफ एस सी क्या आएगा, एक्स का वन माइनस साइन एक्स का कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए का मतलब यहाँ पे एक करो, ए माइनस साइन ऑफ ए माइनस एफ ऑफ जीरो का मतलब जीरो अपॉन ए माइनस जीरो ए। अब ध्यान दो ये क्या बन जाएगा आपका, वन माइनस कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू ए माइनस साइन ऑफ ए। क्या मैं बोल सकता हूँ कि वन माइनस कॉस ऑफ एक्स है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू वन से कभी बड़ी नहीं हो सकती, अगर ये वन से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी तो ये इसको नेगेटिवली बना पाएगा तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वन माइनस कॉस ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ए माइनस साइन ऑफ ए अपॉन ए वो भी पॉजिटिव, और ए हमने लेट किया है पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा आर प्लस, तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा आपका ए माइनस साइन ऑफ ए पॉजिटिव। अगर इसको एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखे तो एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स शुड बी पॉजिटिव, तो एक्स इज ग्रेटर देन साइन ऑफ एक्स, यहाँ से क्या बन जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन साइन ऑफ एक्स। ये कुछ ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग थ्योरम और एलिमेंट्री थ्योरम यूज करते हैं उनको प्रूव करते हैं। आईआईटी में भी इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसको हम देखने से हमें समझ नहीं आता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, लेकिन आप लोगों को पता है बताया अगर हम इसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग और बहुत सारी चीजें देखते हैं ना तो वहां से हमें आइडिया लगता है कि ये थ्योरम कहां का यूज आ सकती है, और ऐसी चीजें जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते वो चीजें हम इनके थ्रू प्रूव कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो, लॉजिक पता हो। नेक्स्ट देखते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर बोर्ड के अंदर वो सारे डिस्कस कर लिए। अब हम लोग पे चलते हैं जेई पे, जहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन इस थ्योरम से रिलेटेड पूछे जाते हैं, वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया आईआईटी 2005 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है एफ टी वाइस डिफरेंशिएबल twice differentiable function satisfying f of 1 equal to 1 hai, f of 2 equal to 4 hai, and f of 3 equal to 9 hai. Then a option hai f double dash x equal to 2 for all x belongs to R. B option है f dash x equal to 5 equal to f double dash x for some x belongs to 1 to 3. C option है आपके पास there exists at least
एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू वन से थ्री सच दैट एफ डबल एस एक्स इक्वल टू और डी ऑफ ऑप्शन इन अबाउट दिस इसमें से कोई नहीं। अब सुने इस तरह की क्वेश्चन को क्या करना है। अब यहां से आपको एक चीज समझ आ रही है तो देखते हैं कि ये वन है ये वन है ये टू है ये फोर है ये थ्री है क्या ये इसका स्क्वायर स्क्वायर है। तो अगर मैं कोई ऐसा फंक्शन लेट कर लेता हूं जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर तो इससे बनेगा कुछ इससे ये बनेगा कि जी ऑफ वन जो है वो मुझे जीरो मिलेगा। कैसे एफ ऑफ वन की वैल्यू वन और वन का स्क्वायर भी वन और जी ऑफ टू है वो भी मुझे क्या मिलेगा जीरो मिलेगा। कैसे एफ ऑफ टू की वैल्यू फोर और टू का स्क्वायर भी फोर जीरो और एफ जी ऑफ थ्री की वैल्यू भी मुझे जीरो मिलेगी। उन लोगों ने इस तरह से फंक्शन को कह दिया कि ऐसा फंक्शन हो सकता है। क्यों कैसे पता चला इसको देखने से ये इसका स्क्वायर है ये इसका स्क्वायर ये इसका स्क्वायर तो इसमें से एफ ऑफ टू में से माइनस ऑफ टू का स्क्वायर कर दो तो जीरो मिलेगा एफ ऑफ थ्री में से थ्री के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करूं तो जीरो मिलेगा। वही काम कर दिया। अब देखिए जी ऑफ एक्स के थ्री रूट है जी ऑफ एक्स हैज थ्री रूट्स इन वन टू थ्री वन टू थ्री के बीच में इसके थ्री रूट है तो जी डैश एक्स के कितने रूट होंगे एटलीस्ट टू रूट होंगे तो जी डबल डैश एक्स के कितने रूट होंगे वन रूट होगा कम से कम तो जी डबल डैश एक्स का दो रूट होंगे वन से थ्री के बीच तो क्या हो सकता हूं कि जी डबल डैश एक्स कहीं ना कहीं जीरो आया होगा तो इसका डिफरेंशिएशन किया जी डबल डैश एक्स का एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स और दो बार किया एफ डबल डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का टू एक्स और टू एक्स का फिर माइनस टू वो क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए और एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा टू आएगा इसलिए किसी पॉइंट पे समझ आया। अब इन्होंने क्या दे रखा है एफ डबल डैश एक्स है फॉर टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर क्या ये समझ आया फिर से देखें। चलो इन्होंने बोला हमने एक फंक्शन लेट किया जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर तो इन्होंने हमने जो इंटरवल लिया है वो क्या लिया है अब ये क्या बनने वाला है जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर तो जी ऑफ वन की वैल्यू जीरो जी ऑफ टू की वैल्यू जीरो जी ऑफ थ्री की वैल्यू भी जीरो आ गई मतलब जी ऑफ एक्स के थ्री रूट मिले आपको जी ऑफ एक्स के थ्री रूट मिले तो जी डैश एक्स का एक कम रूट मिलेगा डिफरेंशिएट करने पे एटलीस्ट वन कम रूट मिलेगा तो एटलीस्ट थ्री रूट टू रूट होंगे एटलीस्ट लिख देता हूं एज एटलीस्ट टू रूट तो इसमें एटलीस्ट वन रूट मिलेगा जी डबल डैश एक्स के तो जी डबल डैश एक्स का वन रूट मिला वन से थ्री के बीच में वन से थ्री के बीच में वन रूट मिला तो जी डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा वन से थ्री के बीच में g डबल डैश x का मतलब क्या g डबल डैश x का मतलब f डबल डैश x माइनस 2 वो 0 हो जाएगा कहां पे 1 से 3 के बीच में तो f डबल डैश x क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कहां पे 1 से 3 के बीच में एटलीस्ट 1 पॉइंट एटलीस्ट 1 पॉइंट बिटवीन बिटवीन 1 से 3 के बीच में ऐसा होगा जहां पे f डबल डैश x है वो 2 होगा और ये आपको देखो c पॉइंट देखो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 बिलोंग्स टू 1 टू 3 सो दैट f डबल डैश x इक्वल टू 2 सिंपल सा क्वेश्चन है लॉजिक आपको समझ आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। इस पर के और भी बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोग बुक सॉल्व करोगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के इसी कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट and f dash x is greater than equal to 2
for all x belongs to 1 to 6, then find the range, then find the range of values of f of 6. Okay, LMB theorem का देखो यहाँ पे कैसे use करते हैं हम लोग, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ आ रहा है तो फिर इसी कॉन्सेप्ट पे 2020 देखना क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। इसी कॉन्सेप्ट पे जैसे ये पहले पूछा गया, अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लीजिए तो आपको सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। एफ ऑफ डिफरेंशियबल फंक्शन, मैं बोलता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशियबल, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि कंटिन्यूस फंक्शन फंक्शन इन 1 to 6 कंटिन्यूस फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशियबल फंक्शन, ये दे रखा है डिफरेंशियबल फंक्शन इन 1 to 6, देन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई करता है एलएमबीटी थ्योरम, कंडीशन ऑफ एलएमबी थ्योरम, देयरफॉर देयर एक्सिस्ट C belongs to 1, C where f is C equal to f of B minus f of A upon B minus B। क्या ये समझ आया? ठीक है, चलो तो f dash C equal to f of B 1 to 6 तक f of 6 minus f of 1 upon 6 minus 1। क्या ये समझ आया? f dash C is greater than f of 6 minus f of 1 कितना है? minus 2, plus 2 हो गया, 6 minus 1, 5। अब यहाँ से देखिए, इन्होंने क्या दे रखा कि f dash x अब greater than equal to 2 है, तो f dash x is greater than equal to 2, f dash x की वैल्यू ये c की तो एक पॉइंट है, कौन से c के बीच में, तो क्या हो जाएगा f of 6 plus 2 upon 5 is greater than equal to 2। ये समझ आया? अब f of 6 में निकालना चाहोगे यहाँ से, इसको मल्टीप्लाई किया, f of 6 plus 2 is greater than equal to 10, then f of 6 is greater than equal to 8। f of 6 की जो रेंज है वो क्या मिली? 8 to infinity। देखो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते देखो, तुम तो आदमी ट्वेंटी ने क्या किया, आपको ये समझ आ गया होगा, डिफरेंशियबल फंक्शन दे रखा है, मतलब उसने इंडायरेक्टली बोल दिया कि वो कंटिन्यूस भी है, कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल, तो एलएमबी थ्योरम लगेगा तो एक पॉइंट ऐसा होगा 1 और 6 के बीच में जहां पे f dash c की वैल्यू इसके इक्वल होगी, f dash x इसने दे दिया, ये f dash c की वैल्यू f dash x की यहां पे पुट कर दी, यहां से f of 6 की रेंज फाइंड कर ली। अब देखिए 2020 देखिए, अगर आपको ये कांसेप्ट समझ आया है तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। क्वेश्चन किया था उसके अंदर इन्होंने क्या किया,
हमने एक पॉइंट के लिए रूट निकालता है, अभी हम दो पॉइंट लेंगे माइनस वन और जीरो, इन दोनों की रेंज क्या करते हैं, दोनों के अलग अलग रेंज निकाल उनको सम कर देते हैं, अब वो रेंज निकलेगी कैसे, उन्होंने माइनस सेवन तो जीरो दे रखा है फंक्शन, अब इन्होंने वैल्यू भी दे रखी किसकी, माइनस सेवन की दे रखी है वैल्यू, तो हम क्या करें उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, माइनस सेवन से माइनस वन और माइनस वन से जीरो, ठीक है, उससे क्या मिलेगा, फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन एक्स बिलोंग्स टू माइनस सेवन टू माइनस वन, ऐसा लिखो कि कैसे होगा, सो एल एम बी थ्योरम थ्योरम इज एप्लीकेबल एप्लीकेबल इन माइनस सेवन टू माइनस वन, एप्लीकेबल है, तो एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन माइनस एफ ऑफ माइनस सेवन अपॉन माइनस वन माइनस माइनस सेवन, यही समझ आए, अब एफ डैश एक्स तो मुझे पता नहीं, तो एफ डैश एक्स हुआ इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन वो भी मुझे पता नहीं, एफ ऑफ माइनस सेवन की वैल्यू रखिए माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस वन माइनस माइनस प्लस थ्री अपॉन माइनस वन प्लस सेवन, ये हो जाएगा सिक्स, अब एफ डैश एक्स क्या दे रखा है, लेस देन इक्वल टू टू, फॉर ऑल माइनस सेवन से जीरो तक सबके लिए एफ डैश एक्स है वो लेस देन इक्वल टू टू है, तो यहां से मिल जाएगा मुझे एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू है, तो एफ ऑफ माइनस वन प्लस थ्री अपॉन सिक्स लेस देन इक्वल टू टू, क्या यहाँ से एफ ऑफ माइनस वन ढूंढ निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, एफ ऑफ माइनस वन लेस देन इक्वल टू सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन, एफ ऑफ माइनस वन की रेंज आपको मिलेगी, ठीक वैसे नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फर्स्ट और नेक्स्ट सेकंड, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू जीरो, क्योंकि इन्होंने दे रखा माइनस सेवन से जीरो है तो माइनस वन से जीरो भी होगा, सो एल एम बी थ्योरम इज एप्लीकेबल एप्लीकेबल इन माइनस वन टू जीरो, माइनस वन से जीरो तक एल एम बी थ्योरम आप लगा सकते हो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एफ डैश एक्स जो है एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ माइनस वन अपॉन एफ ऑफ जीरो माइनस माइनस वन, क्या ये समझ आ रहा है, माइनस सेवन से जीरो और यहां से मुझे ये वैल्यू कैसे मिलेगी, मुझे चाहिए एफ ऑफ माइनस वन और एफ ऑफ जीरो, एफ डैश एक्स मेरे पास है लेकिन यहां पे मैं माइनस वन की वैल्यू कैसे लाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ इसको माइनस सेवन से जीरो कर दूंगा, माइनस सेवन से जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस सेवन जीरो माइनस सेवन, अब ऐसा करने से मिलेगा क्या बोले, ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल गई एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो मुझे नहीं पता माइनस एफ ऑफ माइनस सेवन मुझे पता है माइनस थ्री है प्लस थ्री हो गया अपॉन जीरो माइनस 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 सेवन प्लस सेवन हो गया ए सेवन हो गया, अब इन्होंने दे रखा है कि एफ डैश एक्स है वो माइनस सेवन से जीरो, क्या होता है लेस देन इक्वल टू टू, एफ डैश एक्स इक्वल टू टू जीरो टू सेवन, ये हमको गिवन, अगर ये गिवन है तो एफ ऑफ जीरो प्लस थ्री अपॉन सेवन लेसर इक्वल टू टू हो जाएगा, ये रह जाएगा तो एफ ऑफ जीरो क्या रह जाएगी, सेवन टू जीरो फोर्टीन माइनस सेवन इलेवन आ गया, इलेवन दोनों को प्लस करता हूं तो ये और ये, तो एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ माइनस वन लेसर इक्वल टू इलेवन प्लस नाइन दो पॉइंट दे दिए तो ध्यान दें, हमें इस फंक्शन को इस तरह से ब्रेक करना है कि एक की वैल्यू तो हमें गिवन होगी और दूसरा हम ढूंढ लेंगे क्योंकि उसके लिए कंडीशन दे रखी, तो मैंने माइनस सेवन से माइनस वन तक को ब्रेक किया, ऐसा करने से मुझे माइनस वन की रेंज मिल गई, दूसरा मैंने ब्रेक किया, पहले ब्रेक किया था जीरो से माइनस वन लेकिन उसमें इसकी वैल्यू नहीं थी, तो माइनस सेवन से जीरो बना दिया पूरा फंक्शन,
उससे मुझे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि एफ ऑफ माइनस सेवन तो गिवन है, एफ ऑफ जीरो की रेंज मिल गई, अब इन दोनों को प्लस कर दिया तो इन दोनों के सम की रेंज मिल गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है एलएमवी थ्योरम क्या है, कब लगती है, और उसका अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है, उससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किया, लॉजिक समझ आया, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा है हमसे, यूजिंग एमबीटी थ्योरम प्रूव दैट कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी मॉडल्स लेस देन इक्वल टू ए माइनस। अब देखिए, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिनको, अब ऐसे देखा जाए तो इस तरह की क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन ध्यान देना, जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए जहां पे एफ ऑफ एक्स और एक्स के बारे में रिलेशन पूछा जाए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक्स और साइन एक्स का रिलेशन पूछा गया, यहाँ पे देखो कॉस ऑफ ए और ये ए है, कॉस ऑफ बी और ये बी है, कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी ए माइनस बी, इस तरह का रिलेशन जहां भी पूछा जाता है वहां पे ध्यान देना कि एलएमवीटी थ्योरम कहीं ना कहीं यूज में आ रही होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन लेट कर लेते हैं, cos of x का डिफरेंशिएशन होता है sin of x का, तो फंक्शन ले लेते हैं sin of x f of x equal to sin of x sorry cos of x f of x equal to cos of x, ये हमने फंक्शन ले लिया इन a to b, ये फंक्शन आ गया आपका a से b का। क्या मैं cos of x को कंटिन्यूअस फंक्शन बोल सकता हूं, f of x is कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड डिफरेंशिएबल दोनों है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन दोनों, तो क्या इसमें एलएमवी थ्योरम लग सकती है, एंड अकॉर्डिंग एलएमवी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट एफ एस सी है वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये चीज समझ आई। अब देखिए होगा क्या, एफ एस सी ये हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एफ ऑफ बी का मतलब कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए अपॉन A-B. अगर मैं बोथ साइड मॉडुलस लगा देता हूं तो साइन ऑफ एक्स का मॉडुलस माइनस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए का मॉडुलस अपॉन बी माइनस ए। क्या आप बता सकते हो कि ये साइन ऑफ एक्स का मॉडुलस है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू वन होगा, आपको पता है साइन ऑफ एक्स का मॉडुलस ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वन, इसके बड़ी वैल्यू कभी नहीं हो सकती, मॉडुलस है तो पॉजिटिव होगा लेकिन वन से बड़ा तो कभी नहीं हो सकता। इसकी जगह अगर मैं ये लिखता हूँ cos of b minus cos of a modulus upon b minus a modulus less than equal to 1, then cos of b minus cos of a is less than equal to b minus a। समझ आया? तो जब भी इस तरह का रिलेशन आपसे पूछा जाए फंक्शन का और उसके एट्रीब्यूट किया आपने x का, इस तरह का रिलेशन जैसे आपने किया कि मैं 10x और उसी तरह ऐसी तरह का एक और रिलेशन है, तो उसको भी हम एमपीटी थ्योरम से ही प्रूव करते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन जो एमपीटी थ्योरम से हम प्रूव कर सकते हैं, तो यही कहता है किस तरह से पूछा जाता है या फिर यू का है सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं अच्छे लेवल का है, एमपीटी थ्योरम कैसे यूज करते हैं कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन क्या पूछा, प्रूव दैट that 1 upon 28 less than 28 to the power 1 by 3 minus 3 less than 1 by 27। अब ये हमें प्रूव करना है, अब इसको देखने से कुछ समझ में नहीं आ रहा, या तो लॉजिक लगा
क्यूब इतना होगा, ये इतना होगा, ये सेल है, या फिर दूसरा तरीका आपको बताया, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको देखने से कुछ चीजें समझ में आ जाती है, क्या 27 और 28 और ये f of x है वो 1/3, क्या मैं 3 को 27 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ? अगर ऐसा हो गया तो आपके दिमाग में LMB थ्योरम जरूर आ जाएगा। जब भी फंक्शन और x का रिलेशन पूछा हो, f of x और x का भी रिलेशन गिवन होता है, तो हमें ध्यान रखना है f of b, जैसे अभी किया था cos b minus cos a ये cos b minus a, ठीक वैसे ही ये देखो f of b minus f of a, ये b और ये, इस तरह का अगर रिलेशन आता है तो LMB थ्योरम को ध्यान में रखते हैं कि वो कई काम में आ सकती है। बस एक इतना लेट किया इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम लोग क्या लेट करते हैं, f of x equal to x raise to 1/3 where x belongs to 27 to 28, तो ये समझ आया 27 to 28 क्यों किया, क्योंकि इसमें जो रिलेशन है वो 27 28 के बीच में। क्या मैं बोल सकता हूँ कि f of x is continuous and differentiable function, differentiable and according to LMB theorem, there exists a point, if point C belongs to 27 to 28, for which f dash x equal to f of b minus f of a on b minus a, where c belongs to 28 to 27, क्या ये चीज समझ में आ रही है? LMB theorem क्या बोलती है, अगर function है वो continuous और differentiable है तो a to b, तो a से b के बीच में एक point ऐसा जरूर होगा जहाँ पे f dash c की value f of b minus f of a on b minus a के equal होगी और c है वो a से b के बीच में लाइक करे, चलिए f dash c, इसका differentiation किया 1/3 तो आगे x की पावर 1/3 minus 1 minus 2/3, f of b 28 to the power 1/3 minus f of a 27 to the power 1/3 upon 28 minus 27, अगर आप ये c लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 1/3 c की पावर 2/3 equal to 28 to the power 1/3 minus 3, 28 minus 27 तो कितना होता है 1 ही होगा। अब ये टर्म यहाँ से मिलेगी, अब इसको देखो, मैं कोशिश करता हूँ इन दोनों का रिलेशन बनाने की, c की वैल्यू क्या मिलेगी 27 से 28, अब मैं c की पावर 2/3 करता हूँ तो क्या मिलेगा, देखो c की पावर 2/3 less than 28 to the power 2/3 greater than 27 to the power 2/3, ये समझ आ रहा है? अब देखिए ये क्या बनने वाला है, c तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तीनों 3 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बनने वाला है, ये देखिए, ये क्या 27 की पावर 2/3 का मतलब c की पावर 3, फिर से कैंसिल 3 की पावर 2 9, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये 9 इज लेस देन c ग्रेटर देन 2/3 लेस देन 28 टू द पावर 2/3, ये दिया हुआ है। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ सबको, ये हुआ 27 less than 3 c की पावर 2/3 less than 3 into 28 to the power 2/3, अब इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो रेसिप्रोकल करने से ये बन जाएगा 1 upon 3 c raise to 2/3, ये बना, अब ये जो साइड है वो उल्टे हो जाएंगे, ये बन जाएगा आपका 1 upon 3 28 to the power 2/3 और ये बन जाएगा greater than 1 upon 27, क्या ये समझ आया? आप ध्यान से देखें, क्या आपको ये चीज पता है, a is greater than b है, b is greater than c है, तो a is greater than c हो जाता है, a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, तो a c से बड़ा हो जाएगा। अब इसमें देखें, क्या मैं बोल सकता हूँ कि 27, 28 to the power 2/3 और 28 इन दोनों में से बड़ा कौन, इसका मतलब है 3 की पावर 3/3 ये गिवन, तो इसमें से बड़ी वैल्यू ये हुई, ये बड़ी हुई, अब इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 upon 28 to the power 2/3
इज ग्रेटर देन हो जाएगा 1/28 से बड़ा हो जाएगा। अब ये चीज इससे बड़ी है और ये खुद इससे बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो क्या ए इज ग्रेटर देन सी हो जाएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा 1/27 इज ग्रेटर देन 1/3c/2/3 इज ग्रेटर देन 1/28 to the power 28 लिख देता हूं 28। क्या ये चीज समझ आई आपको, ये इससे बड़ा हो जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये 28 raised to 1/3 - 3, तो ये आपका बन जाएगा, यहां पे लिखता हूं इसके जगह 1/3c/2/3 की जगह लिखा 28 to the power 1/3 - 3, ये ना greater than 1/28 और less than 1/27। क्या ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, बिल्कुल एक ही चीज़। तो इस तरह से जब भी आपको फंक्शन के अंदर f(b - f(a) और a और b का कोई रिलेशन हो तो LMB थ्योरम यूज करके उस रिलेशन को प्रूव कर सकते हैं। चलिए कुछ और अच्छे क्वेश्चन चलते हैं जो अभी लेटेस्ट जेई ने पूछे हैं एलएमबी थ्योरम पे। एलएमबी थ्योरम रोल्स थ्योरम उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि डिफरेंशिएशन का बाकी भाग, क्योंकि आप देखिए रोल्स थ्योरम को भी 2019 में इन्होंने पूछा अभी रिसेंटली और 2020 के अंदर भी पूछा एलएमबी थ्योरम, अभी ये क्वेश्चन कर दिया। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं उन्होंने क्या क्या पूछे हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन ये भी पूछा, देखो जेई ने 2020 क्या पूछा, क्वेश्चन ये था लेट f(x) = x³ - 4x² + 8x + 12 इफ एलएमबी इज एप्लीकेबल, एलएमबी इज एप्लीकेबल ऑन f(x) इन 0 to 1, वैल्यू ऑफ सी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, ऑप्शन से आपके पास ऑप्शन में लिख देता हूं, ये ऑप्शन है 4 - √7/3, ये ऑप्शन है 4 - √5/3 और सी ऑप्शन है 4 + √7/3 और डी ऑप्शन है 4 + √5/3। क्या क्वेश्चन पूछा है, कितना सिंपल सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट, इसके अंदर कुछ भी और लॉजिक लगाने वाली बात नहीं, सीधा सा कॉन्सेप्ट पूछा है कि f(x) एक पॉलीनोमियल फंक्शन है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा, कंटीन्यूअस होगा और एलएमबी थ्योरम एप्लीकेबल है। से एप्लीकेबल तो f(c) क्या होगा, हमें पता है f(c) होता है f(1 - f(0)/1 - 0, यहां से c ढूंढ निकालो, ये पूछा है क्वेश्चन। तो f(c) हो जाएगा इसका 3c² - 8c + 8 = f(1, 1 हो जाएगा 1 - 4 + 8 + 11 - f(0) हो जाएगा 11/1 - 0। तो यहां से 3c² - 8c + 8 = ये कितना हो जाएगा 11 से 11 तो कैंसिल हो गया 8/9 - 4 = 5, ये 5 और ये इधर आया 3c² - 8c + 3 = 0। अब देखिए ये 3c = 9, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -8 को -9 + 1, लेकिन वो तो प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, इसको एंटी फॉर्मूला से फाइंड कर लेते c = 8 + √b² = 64 - 4ac, ये है 3, c है 3/2 × 3, ये c मिल गया। अब देखिए यहां से आगे c क्या हो जाएगा 8 + √64 - 9/4 = 36/6, तो c = 8 + √64 - 36, 60 - 30 = 28 / 6, 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7/4 जा 4 बार, तो 8 + √2 = 7/6, यहां से c आपको मिलने वाला है 8 + √2 = 7/6, 6 को मैं लिखता हूं 2 × 3, ये 2 कैंसिल, ये 4 आ गया, तो c = 4 + √7/3। अब देखिए 4 प्लस करूंगा तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी
और 4 माइनस करता हूं तो इसकी वैल्यू इसकी रेंज में ही, हमें इसी रेंज में चाहिए तो क्या आ जाएगा 4 माइनस रूट 7 बाय 3 के ऑप्शन। सिंपल सा सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछा था, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है एलएमवी थ्योरम तो सीधा यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलएमवी थ्योरम जेईई में 2020 में एक और क्वेश्चन पूछा। कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं पहले डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस हो गई होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूस फंक्शन फंक्शन इन एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, ऐसे भी जब f ऑफ x है वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है और एक और कंडीशन गिवन है कि f डैश x है वो पॉजिटिव है एंड एंड f डबल डैश x है वो नेगेटिव है एंड c बिलोंग्स टू a कॉमा b है, देन आपको क्या पूछा है, देन f ऑफ c माइनस f ऑफ a अपॉन f ऑफ b माइनस f ऑफ c is greater than और options आपके पास दे रखे हैं। first option है b minus c upon c minus a, b option 1 है, c option दे रखा है a plus b upon b minus c and d option दे रखा है c minus a upon b minus c। फिर से देख, आपको क्या बताया कि जब भी f of b और f of a और a और b का कुछ इस तरह का रिलेशन हो तो LMB थ्योरम हम लोग सोच सकते हैं उस बारे में, तो ध्यान दे, ये f of c minus f of a, f of b minus c और ऑप्शन देखें क्या इसमें LMB थ्योरम लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। सॉल्यूशन ध्यान दें, f of x is continuous and differentiable function है, f of x is continuous and differentiable, तो LMB theorem is applicable in A to B, इसे बी तक LMB theorem को applicable है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दें, ये f of A और B का relation नहीं है, इसके अंदर C भी involved हो रहा है और C इन्होंने दे रखा है क्या A से B के बीच का, तो मैं क्या करता हूँ पहले LMB theorem लगाता हूँ A से C तक और फिर लगाता हूँ C से B तक। F of x is continuous and f of continuous differentiable if LMB theorem is applicable in A to B. First, LMB for f of x in A to C. पहले इसे C का बताएं। तो f dash x क्या आएगा? F dash x ए और सी के बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं अल्फा, एफ डैश अल्फा एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन सी माइनस ए, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू ए कॉमा सी, ए और सी के बीच में। सेकंड ले लेते हैं हम लोग, सेकंड वाला एफ एल एम बी फॉर एफ ऑफ एक्स इन सी टू बी, ऐसा कुछ समझ आ रहा है क्यों पता ब्रेक, आप सीधा A to B लगा सकते हैं लेकिन उन्होंने ये दे रखा है C A और B C इसका रिलेशन, तो मैंने क्या किया A से B तो को ब्रेक कर दिया A से C और C से B, और A से C के बीच में कोई पॉइंट ले लिया अल्फा और B से C का कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं बीटा, तो क्या हो जाएगा f dash बीटा, f dash बीटा इक्वल टू f of b minus f of c upon b minus c where beta belongs to c comma b, ये समझ आ रहा है। अब ये क्या कह रहा है, कंडीशन देखिए f dash x is greater than 0 तो यहाँ पे f dash अल्फा है वो greater than 0 हो जाएगा, ठीक है f dash, और f double dash x वो क्या है नेगेटिव है f double dash, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ ध्यान दो, f double dash x is negative then f dash x is decreasing function, डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या ये समझ आ रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या हो,
अच्छा आप लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, मैं बताता हूँ। कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव होता है, और अगर डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव होता है। अगर एफ डैश एक्स फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो एफ डबल डैश एक्स है वो पॉजिटिव होता है, और एफ डैश एक्स अगर डिक्रीजिंग है तो एफ डबल डैश एक्स है वो नेगेटिव होता है। तो इन्होंने बोलते हैं कि एफ डबल डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग होगा, अगर एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है तो एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर एफ डस एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है, मतलब आप एक्स बढ़ा रहे हो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक्स बढ़ा रहे हो और ये एफ ऑफ एक्स वो बढ़ रहा है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन अगर आप एक्स बढ़ा रहे हो एफ ऑफ एक्स डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। आपने एक्स बढ़ाया क्या मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा वो बीटा से छोटा है? क्यों छोटा है? अल्फा ए से सी है और बीटा सी से डी है और ए से बी तक ये कंटिन्यू जा रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ f(x) पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है f(x)? a से b तक f(x) इंक्रीजिंग है, यहाँ पे इसे कहने का मतलब f(x) पॉजिटिव है तो f(x) है वो इंक्रीजिंग होगा, a से b तक बढ़ता जाएगा, a से c दो बार तक ये a से b तक बढ़ता जा रहा है, a से c तक यहाँ पे c ले लिया, यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे बीटा है तो अल्फा है वो बीटा से छोटा होगा तो डिक्रीजिंग वो उल्टा हो जाएगा, एफ ऑफ बीटा है वो छोटा हो जाएगा एफ ऑफ अल्फा से। क्या समझ आ रहा है? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि f ऑफ अल्फा है वो बड़ा हो जाएगा f ऑफ बीटा से, क्योंकि होना तो क्या चाहिए f डैश अल्फा f डैश बीटा से बड़ा होना तो चाहिए, कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है f ऑफ x की वैल्यू बढ़नी चाहिए, लेकिन डिक्रीजिंग है तो कम होगी, छोटे वाले की वैल्यू बड़ी होगी और बड़े वाले की छोटी, f डैश अल्फा इज ग्रेटर देन f डैश बीटा, f डैश अल्फा है आपके पास, यहाँ से f ऑफ c माइनस f ऑफ a अपॉन c माइनस a इज ग्रेटर देन f of b minus f of c upon b minus c, ये वैल्यू यहाँ ले जाता हूँ, ये वैल्यू यहाँ पे, तो आपको यहाँ से मिलने वाला है f of c minus f of a upon f of b minus f of c is greater than c minus a upon b minus c। एक ऐसा कोई ऑप्शन है c minus c upon b minus c, समझ आया? तो इसमें दो कॉन्सेप्ट लग गए, LMB थ्योरम और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला। f ऑफ x अगर इंक्रीजिंग है तो f डैश x पॉजिटिव, f डैश x पॉजिटिव दे रखा है मतलब f ऑफ x वो इंक्रीजिंग है, मतलब a से b तक जाने पे f ऑफ x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, f डबल डैश x नेगेटिव है तो f डैश x की वैल्यू वो कम होती जाएगी, और अल्फा और बीटा में से बीटा बड़ा है तो अल्फा की वैल्यू छोटी है तो f ऑफ अल्फा वो छोटा होगा f ऑफ बीटा से, लेकिन f डैश x तो डिक्रीजिंग है तो f ऑफ बीटा बड़ा होना चाहिए उसकी जगह छोटा हो जाएगा, और f डैश अल्फा है वो बड़ा हो जाएगा f डैश बीटा से, लेकिन जेई में हमने कितना बड़ा कंटिन्यूटी पढ़ा, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा, डिफरेंशिएशन पढ़ा, और ये रोल थ्योरम एलिमिनेटी थ्योरम पढ़ा, और एनसीईआरटी के हिसाब से आपका पूरा चैप्टर फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट हुआ, और जेई के अंदर हमारा ये सारे चैप्टर खत्म हुए। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। आज के लिए इतना।